आपे बुलाई के हाथ से धुले हुए आपको मिलेंगे। तो आज मैं बना रही थी चाइनीज पकोड़े। खैर ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने ही ट्राई की थी। हो सकता है मेरी तरह कोई और भी बंदा हो जिसका अपना दिमाग और उसने क्यों इतना क्यों लड़ रहे हो मुझसे यार, मैंने क्या किया है? तो जहाँ आप अपने दो चीजें ले रहे हैं वहाँ आप अपनी एक चीज कर लें, जहाँ आप 10 चीजें बच्चों के खरीद रहे हैं वहाँ एक चीज एक्स्ट्रा खरीद लें। मेहमान आने वाले हैं स्कूल से, तो मैं उनके लिए पराठा बना रही थी और मुस्तफा के लिए चाय। पापा खाएंगे वो चाय बना रही, और यहाँ पर मेरा सारा किचन खराब पड़ा हुआ है। बस सारे काम रहते हैं रमजान में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। बच्चे स्कूल से आ गए, अस्सलाम वालेकुम। देख के डेढ़ बज रहा, अभी तक सिद्रा नहीं आई। बच्चे स्कूल से आ चुके हैं आराम से, आए आराम से आराम से। कैसे खर्च खुर्च करते हुए आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ आ जाओ जी, अभी रोजे हैं ना भाई, रोजे हैं। सुबह सहरी करके बंदा देर तक सोकर देर से उठता है, ये रमजान की रूटीन है, आम रूटीन ऐसी नहीं होती। अच्छा आप लोगों के लिए भी मैं नाश्ता ही बना रही थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जी हाँ, कैसे आप सब लोग और क्या हो रहा है रमजान में? हमारी तो रूटीन इतनी बिजी तरीन है कि आज टाइम मिला है सिद्रा को कपड़े धोने का, वो भी मैंने कहा चंद कपड़े धो लो, कि सिद्रा का भी रोजा है और मेरा भी, और अब हम मिलके कपड़े धो रहे हैं। सिद्रा से मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं दूंगी, क्योंकि रोजे में जाहिर है एहसास करना चाहिए बेचारी छोटी बच्ची का ना। सिद्रा मैं निकाल के सूखने डाल दूंगी और सिद्रा जो वो धोएगी। खैर ये तो हमारी आपस में हो गई थोड़ी बहुत बात। आप लोगों से मेरी बात ये थी कि एक बात मैं आप लोगों से करना चाह रही हूँ। बात ये है कि मैं चाह रही हूँ एक छोटी सी चीज़ जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना। बात ये है कि मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को ईदी दूँ, या कोई भी ईदी में गिफ्ट दे दूँगी, या हो सकता है कैश भिजवा दूँ, पर वो भिजवाऊँगी किस तरह पहले सुन तो ले पूरी बात। होगा कुछ यूँ कि आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स देखने हैं और व्लॉग से रिलेटेड कॉमेंट करने हैं, और जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे ना और व्लॉग से रिलेटेड होंगे तो मैं उन लोगों के नाम अपने जहन में नोट कर लूँगी, क्योंकि मैं रोज़ाना के बेस पे कमेंट देखती हूँ कि किसके कमेंट्स डेली बेस पे आते हैं और किसके कभी कभी आते हैं। तो जो डेली बेस पे कमेंट करेगा, व्लॉग से रिलेटेड कमेंट करेगा, तो ईद से कुछ दिन पहले मैं उन्हें खुद मैसेज करूँगी और उनसे उनका एड्रेस लेना हुआ या फिर मुझे कैश भिजवाना हुआ तो वो मैं इजी पैसे के ज़रिए कैश भिजवाऊँगी, पर ईदी ज़रूर दूँगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने व्लॉग के साथ कनेक्ट रहना है और व्लॉग पूरे पूरे देखने। जिस जिसको ईदी वो जल्दी जल्दी शाबाश अच्छे बच्चों की तरह कमेंट करे। पहले मैंने आप लोगों से गिव अवे की बात की थी और किसी ने कमेंट नहीं किया, जिसने किया वो दो से चार लोग थे, तो मैं दो चार लोगों में गिव अवे क्या करती, ज़्यादा ज़्यादा कमेंट होने चाहिए भाई ताकि गिव अवे करें या कोई ईदी दे तो उसमें मज़ा तो आए, पता तो चले ना कि विनर कौन है और कौन ज़्यादा कमेंट कर रहा है। खैर वो चीज़ें भी मेरे पास रखी हुई हैं और वो भी मैं ईदी के तौर पे आप लोगों को दे सकती हूँ। हो सकता है एक शख्स हो सकता है दो शख्स हो सकता है तीन शख्स, जो डेली बेस पे कमेंट करेगा व्लॉग के रिलेटेड, तो उनमें से मैं हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चूज़ कर लूँ, पर ये कि रोज़ाना की बेस पे कमेंट होना चाहिए। खैर अभी मेरे बर्तन रहते हैं, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और ये कपड़े गोल 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 होकर धुल रहे हैं। यूनिफॉर्म भी बीच में डाल दिया मैंने, मैंने कहा आज यूनिफॉर्म भी धुल जाए, और रमज़ान होने की वजह से कुछ हुलिया मेरा आजकल ऐसा ही होता है। कोई वो नहीं होता मुझसे ये कि मैं बाल बनाऊँ, कंघी करूँ या मेकअप वेकअप करके थोड़ा फ्रेश होकर मिलूँ, क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान में फिर आपकी नींद नहीं पूरी होती, नींद कुछ ज़्यादा ही पूरी हो जाती। खैर अभी घर साफ़ हो रहा है, ये रूम सिद्रा साफ़ कर रही, सिद्रा ये कपड़े भी तय लगाने वाले हैं, पिछली दफ़ा के कपड़े भी तक तय ही नहीं लगे। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं कपड़ों को तय लगाने के मामले में बहुत सोचती हूँ। अब ये देखें ना, ये झूला मेरा ऐसे का ऐसे ही भरा हुआ है, अब पता नहीं कौन आएगा कौन साफ़ करेगा इसको, और मैं सोच रहा हूँ अब ये झूला जो है ना निकाल दूँ, सेल कर दूँ, क्योंकि एक तो जगह बहुत घेरी हुई और ऊपर से हर वक्त इस पर कपड़े ही रहते हैं, अगर ये ना होगा तो ना कपड़े होंगे, फौरन से कपड़े अंदर चले जाएंगे, अगर इधर झूला रहा तो कपड़े भी इधर ही रहेंगे। खैर हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ने गए हुए, इब्राहिम अहमद ट्यूशन गए हुए, मुस्तफ़ा ज़बरदस्ती से नानू के घर चले जाते हैं। तो आज सिद्रा की हेल्प करने का मैंने सोचा था कि उस बेचारी का रोज़ा, तो आज हम मिलकर कपड़े धोएंगे, और आप मुझे तकरीबन व्लॉग में फर्स्ट टाइम कपड़ों को हाथ लगाते हुए देख रहे होंगे। वैसे मैं कपड़े धोती हूँ हाथ से जो बच्चों की यूनिफॉर्म, तो वो मैं शूट नहीं करती, पर आज आप लोग देख सकते हैं कि कपड़े कैसे धुलते हैं। ये तो अभी वाले कपड़े मशीन में डालने हैं, एक एक करके हम उठाते जाते हैं, वन टू, और ये वाली भी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाई मुझे पता है क्या बेचना है, क्या क्या भूसी टुकड़ा, चूचू भी हैं, अल्लाह चूचू इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे चूचू भी थे। जाओ भाई डूब भी जाओ, डूब मरो डूब मरो डूब मरो। A few moments later. पहले मैंने आपको गंदा घर दिखाया था, मैंने कहा मैं साफ घर भी दिखा दूँ, बर्तन भी धुल चुके हैं, यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं जो कि खिड़की और बाहर डाल दिए हैं। और आप लोगों को एक और बात बताऊँ, ये देखिए ये नोट भी धुल गए, और पता नहीं अब ये चलता है या नहीं चलता, ये पेंट में था, मैंने पेंटे चेक भी की फिर भी बीच में नोट था, मुझे पता ही नहीं चला। खैर मैं ही पेंटे डाल रही थी
और मैंने रोज़ाना सोचा है कि मैं तैयार थी रो के अच्छे से व्लॉग बनाऊंगी एनर्जेटिक होकर, और रोज़ा इतना लगता है कि मैं डाउन हो जाती हूँ। खैर ऐसे भी अच्छी लग रही होंगी मुझे पता है। खैर अभी मुझे नींद आ रही है, सुस्त हो रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ सोने। ये देखें ये सो चुके हैं और मुझे भी नींद आ रही है, बस थोड़ी देर तक मिलती हूँ रेस्ट करके। 2000 years later. तो मैं सोकर उठ चुकी हूँ और अफ्तारी की तैयारी करने लगी थी। अफ्तारी की तैयारी जो मैं कर रही हूँ, तो आज मैं बना रही थी चाइनीज पकौड़े। जी हाँ, बहुत से लोगों ने सुना होगा चाइनीज पकौड़ों के बारे में, बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा, और मेरा मानना है बहुत कम लोगों ने सुना होगा। खैर ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने ही ट्राई की थी। हो सकता है मेरी तरह कोई और भी बंदा हो जिसका अपना दिमाग और उसने चाइनीज पकौड़े बना लिए हों। खैर ये सारा सामान मैंने निकाल लिया है, मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें बंद गोभी है, इसमें प्याज है, ये हरी प्याज है, आलू बारीक बारीक काट लिया, शिमला मिर्च, गाजर और ये पालक है। ये सारी चीज़ों के बनेंगे चाइनीज पकोड़े, और ये सॉसेजेस इसमें डलेंगे, बेकिंग पाउडर आधा चम्मच डलेगा, और काली मिर्ची आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक होंगी, और ये मैदा और बेसन एक बराबर जितना भी बीच में डलना है पर वो बराबर डलेगा, ये नमक, और जो इसमें मसाले में मैदा और जो बेसन डलेगा वो बहुत कम क्वांटिटी में होगा, ये मतलब कि सिर्फ जोड़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप भर भर के डाल के लईसी बना लो, बस बिल्कुल इतना डलेगा कि जिससे मसाला जुड़ जाए, और इसे फ्राई करके खाएंगे बहुत मज़े का टेस्ट होता है। और इसमें आप चिकन भी डाल सकते हो, मेरे पास चिकन नहीं है तो मैं नहीं डाल रही, मैंने घर से सामान निकाल के चीज़ें वगैरह बना के बता रही हूँ ना, अगर आपका दिल करे तो चिकन मंगा लें। मैं पता है कौन सी रेसिपी बता रही हूँ, मीरो वाली भी, कि अगर आप चिकन अफोर्ड कर सकते हैं तो बोलिए, या नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप सिंपल बना लें, दोनों बंदे बना सकते हैं जिनके घर, समझ गए हो ना। होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी समझ आ गई होगी। बस मैं बना रही हूँ चाइनीज़ पकौड़े, पकौड़ों का मसाला बना लिया चाइनीज़ पकौड़ों का, इसमें मैंने पानी बहुत कम डाला, आप देख लें बिल्कुल ये इस तरह का पेस्ट है, कि थिक थिक सा पेस्ट बनना है, और इसमें मसाला ज़्यादा होगा, बेसन और मैदा कम डलेगा। किंग न्यूज़, हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही, अभी भाभी की कॉल है कि आप लोगों की गैस आ रही है, मैंने कहा हाँ आ रही है, और जैसे मैंने फ़ोन बंद किया तो गैस बिल्कुल ही कम हो गई है। अभी मैंने रोटी भी बनानी थी, और अब तो लग रहा है कि रोटी आएगी बाज़ार से, बस दुआ करें कि मेरी ये जो चीज़ें रखी हुई हैं ना ये बन जाएँ। यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ गैस नहीं, जहाँ पानी नहीं, और फिर भी दिल है पाकिस्तानी, क्या करूँ। रोटी मंगवाएं जल्दी से, वरना तंदूरों में भी रश हो जाता है। ये लड़का हमेशा मेरे ना पकोड़ों बंदे बंदे हमला करते हो, क्या कर रहे हो। रोज़ाना आप जो है ना इसी तरह पकोड़े खाते हो, जब बन रहे होते तब खाते हो, उसके बाद पता ही नहीं होता। खैर हुकूमत जितना मर्जी है तेल महंगा कर ले, हमने तो पकोड़े तल तल के खाने हैं, डेली बेस पे खाने हैं, यकीन जाने छठा रोज़ा है पर छठे रोज़े में भी पकोड़े बन रहे हैं। बेटा मैं आपको प्लेट पे निकाल देती हूँ, बेट लो, वाह 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 सही जा रहे हो, ले लो ले लो। मेरे चाइनीज़ पकोड़े बन चुके हैं, चाइनीज़ प्रो मैक्स पकोड़ा। तुम्हारे चाइनीज़ पकोड़े? मेरे ही है ना, ये मैंने बनाया है, सुन तो लो, प्रो मैक्स है ये। प्रो मैक्स। आज आप मुझे रिव्यू देंगे काफी टाइम बाद के, खा के कैसे लगते हैं आपको? आप पी के भूल चुके हो, पहले आपने खाए थे पर आपको याद नहीं है, इतने भुलक्कड़ हैं आप। रोजा पहले अफ्तार, हाँ तो अफ्तारी के बाद ही कह रही हूँ, पर मैंने आपको पहले चाइनीज पकौड़े सोचने की समझने की कोई सलाहियत नहीं होती इस टाइम पे, और इस तरह के सवाल भी नहीं किए जाते। तो मुझे ये बताएं चाइनीज पकौड़े मैंने आपको कभी जिंदगी में पहले खिलाए हैं या नहीं? अभी इस टाइम पे कुछ याद नहीं आ रहा। मैं आपको खिला चुकी हूँ, मैं 25 दफा पूछ चुकी हूँ, और इनको 25 दफा पता ही नहीं है कि इन्होंने खाए थे, यकीन जाने ही मैं दूसरी तीसरी दफा बना रही हूँ। जितनी प्यास लग रही थी, और किसी का कमेंट आया कि आप अदरक का कावा पिए आपका गला ख़राब है, तो मैं बताऊँ वजह ये है ठंडे जूसेस की, कि आप तले हुए पकोड़े खाते हैं और फिर ठंडा जूस पीते हैं तो आपका गला ख़राब होता है, और वाकई मेरा गला ख़राब हो रहा है जी ये पकोड़ा खाते हुए। और हम इनसे पूछेंगे रिव्यू दें इस पकोड़े का कि कैसा लगा आपको। ये ज़्यादा मज़े के ना, व्यूअर्स को बोले आप ट्राई करें और मज़े मज़े के पकौड़े खाएँ जी। अच्छा आज तो प्लेटें ख़त्म है और पकौड़े भी ख़त्म है ना। और सच बताऊँ ना इनका टेस्ट बहुत मजे का है, आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने अभी चाय बनाई है, ये सो गए थे, सोकर उठे और मुझसे लड़ रहे हैं। क्यों इतना क्यों लड़ रहे हो मुझसे यार, मैंने क्या किया है यार? तू जगाया क्यों नहीं मुझे तुमने? तो आप सो रहे थे, सोए हुए को जगाओ तो वो लड़ते, और आपको नहीं जगाया आप तब लड़ रहे हैं। यार अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, और तुम अब पूरी रात जागना पड़ेगा यार। कोई बात नहीं ना, मिलके जाग लेंगे, मैं वैसे भी जागती रहती हूँ। क्या कहते हैं, मन जावे थोड़ी सी शॉपिंग करा दे, मन जावे एक रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्ट आ पाइया वे, ईद आ रही यार शॉपिंग करा दे। पहले की भी बहुत सारी शॉपिंग पर इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी थी, अब इनको बहाना मिल गया, इनको मेरे कपड़े दिख गए जो अंदर रखे हुए हैं, कह रहे हैं वही पहनो उसी से ईद की गुजारा करो। बताएं व्यूअर जैसे गुजारे होते हैं, हाँ, ऐसे ही होते हैं जी। डोडू
बस वह बाथरूम में है, मुझे बुला रहे हैं तो मैं वहाँ जा रही हूँ। आगे चाय पीऊंगी और उसके बाद पूरी लड़ाई इनसे करूंगी कि मुझे ईद की शॉपिंग करा दे। रमजान का महीना है, जितने ज़्यादा हो सके नेकियाँ समेट लें, रहमतें समेट लें और जितना ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करें, क्योंकि बहुत मुश्किल टाइम आ चुका है सफ़ेद पोश के लिए। तो आप लोगों ने करना क्या, जितना हो सके दूसरों की मदद करने का सोचें, चाहे छोटे से लेवल पर क्यों ना हो, पर छोटी छोटी खुशियाँ होती है लोगों की, उसके बारे में सोचें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सोचें उनके घरों में छोटे बच्चे हैं, उनका भी दिल करता है ईद मनाने को। तो जहाँ आप अपने दो चीज़ें ले रहे हैं वहाँ आप अपनी एक चीज़ कर लें, जहाँ आप 10 चीज़ें बच्चों के खरीद रहे हैं वहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा खरीद लें किसी दूसरे बच्चे का सोच के, जूता खरीद लें, कपड़े खरीद लें या फिर कुछ पैसों की मदद कर लें। इस तरह आपकी खुशियाँ भी उनकी खुशियों के साथ मिलकर डबल हो जाएंगी और अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी भी ज़ाया नहीं जाता, वो डबल होकर ही मिलता है। खैर, इसी बात के साथ मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा टाटा बाय। ताबे बलाई के हाथ से धुले हुए आपको मिलेंगे ऐसे।